सिर पर बैग, कमर तक पानी, जान जोखिम में डालकर केरेडारी प्रखंड के लोहरा गांव के 2 दर्जन से अधिक बच्चे नदी पार पढ़ने के लिए जाते हैं दूसरे जिले के स्कूल। गांव में नहीं है उच्च विद्यालय, प्रखंड मुख्यालय भी 25 किलोमीटर है दूर। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार विकास के तरह तरह की दावे करती है, लेकिन उन दावों की ज़मीनी हकीकत ठीक उसके विपरीत है। इसी का नतीजा है कि ग्रामीण स्तर पर न तो ठीक से सड़क और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पाई है और ना ही शिक्षा की। ऐसी ही एक तस्वीर चतरा ज़िले से सामने आई है, जहां गांव में हाई स्कूल नहीं होने के कारण चतरा हजारीबाग सीमा से सटे केरेडारी प्रखंड के लोहरा गांव के 2 दर्जन से अधिक बच्चे बरसात के दिनों में नदी पार कर चतरा ज़िले के टंडवा प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय हिसातु में पढ़ने के लिए जाते हैं। सिर पर बैग लिए और नदी में कमर तक भरे पानी को पार करते ये बच्चे हजारीबाग ज़िले के केरेडारी प्रखंड के लोहरा गांव के हैं, जो अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर नदी पार कर चतरा ज़िले के टंडवा प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय हिसातु में रोजाना पढ़ने के लिए जाते हैं। केरेडारी प्रखंड का लोहरा गांव और टंडवा प्रखंड का हिसातु गांव दोनों ही घने जंगलों से घिरे नक्सल प्रभावित इलाकों में आता है, लिहाजा दोनों गांव में विकास की रफ्तार काफ़ी धीमी है। ऐसे में आम दिनों में बच्चों को घने जंगलों को तो पार करके पढ़ने के लिए जाना ही पड़ता है, लेकिन बरसात के दिनों में उनकी मुश्किलें दोगुनी बढ़ जाती हैं। एक तो घने जंगल और ऊपर से बरसात के कारण गहरे पानी से भरे नदी को पार करना इनके लिए न जाने कब आफत बन जाए, लेकिन फिर भी शिक्षा का जुनून ऐसा कि इन दोनों आफतों को पार कर 2 दर्जन से अधिक बच्चे और बच्चियां स्कूल पहुंचती हैं। बरसात के दिनों में नदी को पार करने में कपड़े तो भींग जाते हैं, ऐसे में बच्चे कपड़े के दूसरे सेट को भी अपने साथ बैग में डालकर साथ चलते हैं और फिर नदी पार करते ही उसे बदल कर स्कूल चले जाते हैं। इस दौरान कभी कभार लगातार बारिश होने के कारण उनका ड्रेस भी नहीं सूखता, जिसके कारण भीगे हुए ड्रेस को ही पहनकर स्कूल में जाना पड़ता है। तो कभी कभार लगातार बारिश होने के कारण या तो स्कूल नहीं जाते या फिर स्कूल में जाने के बाद तेज बारिश होने के कारण किसी के घर में रुकना पड़ता है। लोहरा है, लोहरा में भी स्कूल है तो 1 से 8 तक है, तो 8 में पढ़ा करने के बाद 9 क्लास में लिखाते हैं सातु स्कूल में। तो यहाँ पर नदियों बीच में तो आते हैं तो बाढ़ आता था, हम लोग थोड़ा नीचे रहता डंडा से नीचे तो कसू तरह चल जाते हैं किसी भी तरह, और अगर ऊपर रहता था हम लोग वापस चल जाते हैं, इसलिए हम लोग का अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है। हाँ, अगर बहुत भारी बारिश होता है तो हम लोग स्कूल कभी नहीं जाते हैं। नहीं सर, नीचे रहता है हल्का डंडा से नीचे रहता पानी पार कर देते हैं कैसे, और उससे नीचे उससे ऊपर रहता नहीं पार करते हम लोग। हाँ, डबल ड्रेस लेकर आते हैं, भिंगता इधर बदल के और चल जाते हैं, फिर आते हैं तो फिर बाढ़ रहता है तो उधर ही रह जाते हैं। हाँ, यही जरा हर दिन कभी बहुत बड़ा बाढ़ आता तो कभी हम लोग चका देते हैं, कभी बहने से भी बचते हैं, तो कभी नदी में आता है अचानक बाढ़ आ जाता है, इसलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक यहाँ पे पुल दे दे। लोहरा से है साथ में स्कूल जाते हैं, ज़्यादा बाढ़ आता है तो डबल ड्रेस लगाते हैं, भींग जाते हैं तो इधर बदल के और फिर स्कूल जाते हैं, फिर वैसे ही करके आते हैं, ठीक रहता है। लेकिन बरसात के दिन में अगर ज़्यादा बाढ़ आता है तो नहीं स्कूल जाते हैं, और थोड़ा कम रहता है तो चल जाते हैं भींगते भींगते, स्कूल में जाके ड्रेस चेंज करके पढ़ाई करते हैं। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ा, बेटी कैसे पढ़ेगी, नदी में पुल बनना चाहिए। नदी पार कर स्कूल जाने वाली बच्चियां बताती हैं कि देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन नदी में पुल और गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं होने के कारण ना तो बेटी सुरक्षित है और ना ही पढ़ पा रही है। छात्राएं बताती हैं कि गांव में 8वीं कक्षा तक का स्कूल तो है, लेकिन उसके बाद की पढ़ाई करने के लिए गाँव से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी में हाई स्कूल है। ऐसे में गांव में यातायात का कोई समुचित साधन भी नहीं है, जिसके कारण गांव से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी से संचालित उत्क्रमित उच्च विद्यालय हिसातु उनके लिए नज़दीक तो है, लेकिन सड़क और पुल नहीं होने के कारण मुश्किलों से भरा है। विद्यालय के शिक्षक भी बताते हैं कि बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए स्कूल में आते हैं। बताते हैं कि गांव के बच्चे जब विद्यालय से घर के लिए निकलते हैं तो हम लोगों को यह चिंता सताए रहती है कि बीच रास्ते में बच्चों के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हो जाए। शिक्षकों का कहना है कि जिस पगडंडी के सहारे लोहरा गांव के बच्चे विद्यालय में पढ़ने आते हैं उस पर सड़क और पुल का निर्माण हो जाता तो उस गांव में बच्चे अधिक शिक्षित होते।
वे बताते हैं कि गांव में हाई स्कूल के नहीं होने के कारण अधिकांश बच्चे आठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे में सरकार के शिक्षित और जागरूक गांव के सपने भी अधूरे रह जाते हैं। जब सुबह का टाइम होता है, जब स्कूल खुला, तो अचानक मैं देखा कि बच्चे तो कपड़े भींगे भींगे हैं। तो मैं पूछा कि क्या बात है, कल भींगा कर आए कपड़ा, कहाँ खेल रहे थे? मैंने ऐसे नदी में बाढ़ थी, मैं जाके देखा वास्तव में वहाँ बाढ़ थी। मुझे लगा कि इतने बच्चे लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पे आ रहे हैं, लोहरा गांव के बच्चे जो केरेडारी प्रखंड में पड़ता है, और विडम्बना है, थोड़ी दिक्कत है कि जो गांव है वो बिल्कुल केरेडारी प्रखंड से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, बिल्कुल सुदूरवर्ती क्षेत्र दासी पहाड़ के तराई पे बसा हुआ है। और क्या बोलेंगे कि जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा से वंचित है, क्योंकि वहाँ पे 8 क्लास तक ही विद्यालय है, और 9वां 10वां के बाद जो उसके जो अपने प्रखंड अपने जिले का जो निकटतम जो स्कूल है हाई स्कूल, वो पगार में है, जो लगभग यहाँ से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। और ये जो हमारा विद्यालय है बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र में है, तो वहाँ से 4 किलोमीटर में बच्चे यहाँ पे विद्यालय पहुँच जाते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में वही दिक्कत होती है कि जब बच्चे आ गए अचानक से, चूँकि ये जो लोहरा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो हाहे पीरी में, तो जब इधर बारिश नहीं भी होती है और हाहे पीरी में अगर कस के बारिश होगी ना, तो यहाँ पे बहुत पूरी बाढ़ आएगी। अभी हाल की घटना है, कर्मा के दिन में बच्चे नहा रहे थे और 3-4 बच्चे बह गए थे, अचानक बाढ़ आ गया। तो उसी प्रकार बच्चे जो हैं जान जोखिम में डाल के विद्यालय आते हैं, तो बहुत हमें बहुत अंदर से बहुत ये सोचना होगा कि बच्चे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। मैं चाहता हूँ सरकार से कि अगर उसमें पुल का निर्माण हो जाए और रास्ते का निर्माण हो जाए, तो जो सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या जो हमारा झारखंड सरकार है जो सावित्रीबाई फुले जैसी अनेक योजनाएं मतलब बेटियों के हित के लिए चला रही है, ताकि बेटियों का जो पढ़ाई है वो बीच में छूटे नहीं, तो जब इतनी सरकार संजीदा है, इतना संवेदनशील है, तो इस समस्या को गंभीरता से ले और इस नदी पर पुल का निर्माण करे, ताकि जो उस गांव की बेटियां हैं उनका पढ़ाई निरंतर होती रहे और किसी भी बड़ी घटना से हम लोग क्या भय के मुक्त माहौल में रहें। क्योंकि अचानक बारिश हो जाती है तो हमें डर हो जाता है कि बच्चे ऐसा ना जाएं और बाढ़ में फंस जाएं, तो फिर हम दूसरे दिन क्या जवाब देंगे पब्लिक को, क्या जवाब देंगे खुद को, और फिर सरकार हम पे कहेगी कि ऐसा क्यों हुआ। वहीं गांव के ग्रामीण बताते हैं कि हमारा गांव हजारीबाग जिले में तो जरूर है, लेकिन प्रखंड मुख्यालय की दूरी 25 किलोमीटर होने के कारण हमारी दिनचर्या चतरा जिले के टंडवा प्रखंड से ही चलती है। ऐसे में हमारे बच्चों को स्कूल जाना भी यही नज़दीक होता है, लेकिन गांव को जोड़ने वाली कच्ची सड़क में पक्की सड़क और नदी पार पुल के नहीं होने के कारण खासकर बरसात के दिनों में बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजने में डर लगता है। वहीं गांव की महिलाएं बताती हैं कि अगर किसी महिला को प्रसव के लिए ले जाना होता है तो केरेडारी के बजाय टंडवा प्रखंड के मिश्रौली अथवा अन्य जगहों पर जाना आसान होता है। गांव के ग्रामीण सरकार और जिला प्रशासन से दोनों गांव को जोड़ने वाली पगडंडी वाली सड़क पर पक्की सड़क और पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है सड़क और पुल के बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। बहरहाल सरकार और जिला प्रशासन लोहरा गांव के इस सड़क और पुल वाली समस्या पर सरकार को गंभीर होना चाहिए, ताकि न सिर्फ गांव के बच्चे और बच्चियां सुरक्षित स्कूल तक पहुंचकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें, बल्कि सरकार के शिक्षित और संपन्न गांव के सपने को भी साकार किया जा सके। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। हम लोग हजारीबाग जिला के हैं, लेकिन हम लोग का चतरा जिला ही से काम, हम लोग को सब चीज काम लगता है तो सब चीज करते हैं चतरा जिला से। हजारीबाग भी जाते हैं तो इधर ही जाते हैं, बच्चा लोग स्कूल भी जाते हैं तो इधर ही जाते हैं, बाजार भी लगता है तो हम लोग इधर ही जाते हैं। मैंने हेसातू और लोहरा, लोहरा हो गया हजारीबाग और हेसातू हो गया चतरा जिला, तो हम लोग का चतरा जिला से सब कुछ लाभ लेना लेते हैं और हम लोग आना जाना करते हैं, सब चीज़ का दिक्कत होता है, बच्चा लोग का स्कूल भी जाने के लिए दिक्कत होता है। हमारा गाँव में लोहरा में भी स्कूल है हजारीबाग जिला को और केरारी प्रखंड में और मनातू पंचायत के, तो लोहरा ने स्कूल है, बाकी लोहरा में स्कूल है तो 8वां तक के स्कूल है, 8वां से हम लोग का 9वां 10वां करना पड़ता है, 7वें जाना पड़ता है। अगर है 7